दोस्तों, बेसिकली हम जो आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपनी अर्ली 20s के अंदर, और एक तौर पे आप ये बोल सकते हो कि आप अपना एक पेंशन फंड भी तैयार कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आप उस पैसे से कर सकते हो जो कि बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट होगा। और इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो यार, पैसे रखे रखे ग्रो नहीं होते, पैसे को एक पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। और धीरे धीरे जैसे हम पेड़ पौधों को बड़ा करते हैं, टाइम लगता है उनको ग्रो करने, वैसे ही पैसे को ग्रो होने में भी बहुत टाइम लगता है। और पैसे को काम पैसे पे छोड़ दो, अपनी दुनिया में मेहनत करो, आप अपनी तरक्की करो। उसका एक पहला डेरिवेटिव अगर हम बताएं, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बेंचमार्क है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी 50 आपकी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। दूसरी आपकी आएगी सेंसेक्स, जो कि टॉप 30 कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, जो आउट परफॉर्म कर रही हैं ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर। तो आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर मार्केट का ट्रेंड देखे जाए, दो तरह के मार्केट से आप पैसे कमा सकते हो। एक बार ये बुलिश मार्केट का है, जब मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ता है तो आप ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हो आप इससे। तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप पैसा बना सकते हो, और बुलिश बहुत ही ज़्यादा टाइम तक रहता है मार्केट। तो बेसिकली हम अपने कैलकुलेटर की तरफ जा रहे हैं, SIP कैलकुलेटर, जिसमें मैंने अमाउंट डाल दिया 1000 रुपीज़, जो कि मैं इन्वेस्ट करूँगा आपका ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक के लिए। देखो अब मैं टाइम डाल दे रहा 50 ईयर्स, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि मुझे किसी भी इंडेक्स फंड से मिल जाएगा 15% का, तो वो मैंने 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न डाल दिया। और मेरा कॉर्पस हो गया 9 करोड़, देख रहे हो आप, सिर्फ 1000 रुपये महीने से, जो कि मेरे लिए कुछ नहीं होगा अमाउंट। अगर मैं उतना भी डाल देता हूँ अपने म्यूचुअल फंड में या किसी भी स्टॉक्स में, तो बहुत ही अच्छा वेल्थ बन अच्छा खासा मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ यार। तो जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। तो आज के लिए बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।